जय हिंद दोस्तों। दोस्तों मैं आ गया हूँ एक नई जानकारी लेकर और नए टॉपिक पर। दोस्तों वो नया टॉपिक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक जानकारी देंगे केवाईसी से संबंधित। दोस्तों हमें इसके माध्यम से जो बेनिफिट्स मिलते हैं उस बेनिफिट को पाने के लिए, उस लाभ को कंटिन्यू लगातार पाने के लिए हमें केवाईसी ई केवाईसी करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे और कैसे कहाँ से करेंगे और इसकी डेट क्या है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से वीडियोस को देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं। देखिए ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है pmkisan.gov.in का। हमने इस पर सर्च किया, किसी भी सर्च इंजन के माध्यम से हमने इस पर सर्च किया और सर्च करने के बाद एक ऐसा टैब में एक ये स्क्रीन हमारे पास है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर, ये है आपका। आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके इसके बारे में जान सकते हैं। और केवाईसी होगी कैसे, यहाँ देखिए ई केवाईसी इज मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर्ड फार्मर्स। जो रजिस्टर्ड किसान हैं, फार्मर्स हैं, उनको ई केवाईसी एकदम करना बहुत ही जरूरी है। तो कैसे करेंगे, प्लीज़ यहाँ वो भी दिया गया है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट नियरेस्ट CSC सेंटर्स फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। जिनके पास बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है, जिसके पास जैसे हम लोग आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो एक बायोमेट्रिक होती है जिस पे हम लोग अपना फिंगरप्रिंट्स लगा के अपने किसी भी तरीके के काम को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके का जिन CSC सेंटर, सभी CSC सेंटर वालों के पास वो होता है, तो आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर के पास सेंटर में जाकर आप वहाँ फिंगरप्रिंट के माध्यम से EKYC जरूर करवा लीजिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि आधार बेस्ड EKYC थ्रू OTP, आधार बेस्ड KYC है लेकिन जो OTP के माध्यम से होते हैं, कई माध्यम से होते हैं, एक बायोमेट्रिक है, OTP के माध्यम से भी होता है, लेकिन फिलहाल के लिए देखिए क्या दिया गया, आधार बेस्ड EKYC थ्रू OTP के माध्यम से जो होता था, ठीक है, ऑथेंटिकेशन हैज बीन टेम्पररली सस्पेंडेड, मतलब कुछ किसी भी इशू की वजह से ये सस्पेंड कर दिया गया। यदि आप OTP के माध्यम से सोचेंगे कि हमारा हो जाएगा तो आप नहीं कर पाएंगे, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, CSC सेंटर जो आपके नज़दीक में होगा, तो ये जरूर करवा लीजिएगा। और एक डेडलाइन EKYC का पीएम किसान सम्मान निधि योजना ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से ये दिया गया है कि EKYC का जो लास्ट डेट था वो एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, उसकी जानकारी भी यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई है। देखिए वो क्या है, डेडलाइन ऑफ EKYC फॉर ऑल पीएम किसान बेनिफिशियरीज हैज बीन एक्सटेंडेड, बढ़ा दी गई है टिल 31 मई 2022 तक। तो 31 मई 2022 तक के अंदर तक आपका EKYC कराने की डेट है, तो आप इसके पहले जाकर निश्चिंत पूर्वक, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम एक्सटेंड है, बहुत सारा समय है हाथ में, आप जाकर इसको जरूर करवा लीजिएगा ताकि आप इस सुविधा का लाभ कंटिन्यू लगातार पा सकें। दोस्तों आज की वीडियो में बस यही जानकारी देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, और जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों बस वही एक बात, अपना सपोर्ट प्यार हमारे चैनल पर बना के रखें, नॉलेज युक्त वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और भी कई सारी जानकारी पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हुई आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो फिर मिलेंगे अगले गुरुत्वपूर्ण वीडियो के संग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।